नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल में। दोस्तों, टीम इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में आज दूसरा T20 मुकाबला खेला गया और ये कैसा रहा पूरा मैच, साथ ही किस टीम को जीत मिली है और क्या रहा पूरा मैच, किस खिलाड़ी ने सबसे अच्छी परफॉर्मेंस की है, इसके बारे में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ। यानी कि पूरा हाईलाइट वीडियो मैं आप सभी के लिए लेकर के आया हूँ आज के इस मैच का। दोस्तों, आज जब मैच शुरू हुआ तो टीम इंडिया ने टॉस जीता, यानी कप्तान रोहित शर्मा ने आज टॉस जीता और रोहित शर्मा ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। और रोहित शर्मा के पहले गेंदबाजी करने का फैसला सही रहा या फिर गलत रहा, ये तो वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में आ ही जाएगा। तो चलिए बात करते हैं कि आखिर किस तरह से न्यूजीलैंड की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए परफॉर्मेंस की। जी हाँ, न्यूजीलैंड की टीम एक टाइम पर ऐसा लग रहा था कि आज शायद 200 का आंकड़ा भी छू देगी, क्योंकि न्यूजीलैंड को आज बेहद ही शानदार शुरुआत मिली थी और न्यूजीलैंड की टीम लगातार बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस भी कर रही थी और इसी वजह से कप्तान रोहित शर्मा की आज परेशानी एक पल को बढ़ गई थी। लेकिन अंत में भारतीय गेंदबाजों ने कुछ ऐसा करिश्मा करके दिखाया जिसकी वजह से टीम इंडिया इस हारे हुए मैच को भी आसानी से जीत गई। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे कि आज आखिर भारतीय खिलाड़ियों ने किस तरह की परफॉर्मेंस की और किस गेंदबाज ने कितने विकेट लिए और कैसे न्यूजीलैंड की टीम ने कितना बड़ा टारगेट आज टीम इंडिया को दिया था। तो दोस्तों, आज न्यूजीलैंड की तरफ से मार्टिन गप्टिल और डेल मिचेल ओपनिंग करने के लिए आए थे और जहां आज मार्टिन गप्टिल ने बहुत तेज तरार 15 ही गेंदों पर 31 रन जड़ दिए और अपनी पारी में 3 चौकों के साथ साथ 2 छक्के भी जड़े, तो वहीं डेरिल मिचेल ने थोड़ा स्लो पारी खेली और 28 गेंदों पर इन्होंने 31 रनों की पारी खेली। इसके अलावा चैपमैन आज ज़्यादा कुछ खास कर ना सके, 17 गेंदों पर 21 रनों की पारी खेली, तो वहीं ग्लेन फिलिप्स ने तेज तरार 21 गेंदों पर 34 रनों की पारी खेली और अपनी पारी में 3 छक्के जड़े। तो कुल मिलाकर के न्यूजीलैंड की टीम ने आज 153 रन बनाया और 6 विकेट गंवा दिए। अब टीम इंडिया को 154 रन बनाना, तो एक बार फिर से कप्तान और उपकप्तान की जोड़ी उतर गई इस 154 रनों के टारगेट का पीछा करने के लिए, जहां उपकप्तान केएल राहुल ने आज बेहद ही शानदार परफॉर्मेंस की और महज 49 ही गेंदों पर 65 रन जड़ दिए। अपनी पारी में केएल राहुल ने 6 चौकों के साथ साथ 2 बहुत ही शानदार छक्के भी जड़े, तो वहीं रोहित शर्मा ने भी आज बेहद ही शानदार परफॉर्मेंस की। जी हां, आपको बता दें आज रोहित शर्मा ने महज 36 ही गेंदों पर 55 रनों की पारी खेली। रोहित शर्मा ने अपनी पारी में सिर्फ एक ही चौका मारा लेकिन 5 छक्के मारे हैं आज रोहित शर्मा ने और 36 गेंदों पर ही रोहित शर्मा ने 55 रन बनाकर टीम इंडिया को लगभग जीत की कगार पर ला खड़ा किया। इसके बाद सूर्य कुमार यादव आए थे बैटिंग करने के लिए, लेकिन सूर्य कुमार यादव महज दूसरी ही गेंद पर आज बोल्ड हो गए और सिर्फ 1 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन अंत में वेंकटेश अय्यर और ऋषभ पंत की जोड़ी टिकी रही। और आपको जानकर हैरानी होगी कि आज वेंकटेश अय्यर ने जहां 11 गेंदों पर 12 रनों की पारी खेली, तो ऋषभ पंत ने महज 6 गेंदों पर ही 12 रन जड़ दिया और अंत में ऋषभ पंत ने 2 बेहद ही शानदार सिक्सर लगाकर और टीम इंडिया को आज इस मैच में जीत दिला दी है। बात करें अगर भारतीय गेंदबाजों की परफॉर्मेंस की, तो हर्षल पाटिल ने आज डेब्यू किया था और इनको 2 विकेट मिली है, जबकि भुवनेश्वर कुमार, दीपक चहर, अक्षर पाटिल और आर अश्विन को आज 1-1 विकेट मिला है। तो इस तरह से टीम इंडिया ने 154 रनों के टारगेट को महज 17.2 ओवर में ही चेस कर लिया और टीम इंडिया ने बहुत आसानी से इस मैच को जीत हासिल कर लिया है। और टीम इंडिया की इस मैच के लगभग हीरो रहे हैं केएल राहुल, जिन्होंने 49 गेंदों पर आज शानदार 62 रनों की पारी खेली है। तो यही था वीडियो में, केएल राहुल की ये पारी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताना, साथ ही वीडियो को लाइक करके शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।